सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थिंग और ग्राउंडिंग. ऑल ऑफ आवर होम्स और हाउसेज आर अर्थ इलेक्ट्रिकली. नाउ वॉट हैपन्स इन अर्थिंग, एक्चुअली देर इज़ वन टाइप लोकल अर्थिंग, ओके. देन देर इज़ अनदर टाइप विच इज़ नोन एज अर्थिंग ऑफ अप्लायंस, अप्लायंस अर्थिंग एंड लोकल अर्थिंग. सो इन लोकल अर्थिंग यू कैन जस्ट सी दिस डायग्राम वॉट हैपन्स नियर द किलो वॉट अवर मीटर. ऑल ऑफ अस हैव दैट किलो वॉट अवर मीटर इन आर होम्स थ्रू विच द रीडिंग इज टेकन ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी वी हैव कंज्यूम्ड इन अ मंथ एंड सो. सो नियर दैट किलो वॉट अवर मीटर अ ग्राउंड ऑफ 2 to 3 meters डीप होल इज डग. इन दैट ग्राउंड 2 to 3 meter डीप होल इज डग एंड इन इट अ कॉपर वायर ऑफ डायमेंशंस 50 by 50 एंड अ कॉपर रॉड इज फिटेड इन टू इट. ओके, अ कॉपर रॉड विच इज हैविंग एट इट्स बॉटम अ कॉपर प्लेट, अ कॉपर प्लेट एंड हियर इज द कॉपर वायर. देन दिस कॉपर वायर इज कवर्ड बाय दिस इंसुलेटेड पाइप. ओके, दिस वन यू कैन सी दिस इज इंसुलेटेड पाइप एंड इन साइड दिस ब्लू वन इज कॉपर वायर एंड दिस इज कॉपर शीट. देन दिस कॉपर शीट इज सराउंडेड बाय अ मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट. दिस चारकोल एंड सॉल्ट इज पुट बिकॉज इट विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी. टाइम एंड अगेन हियर द वॉटर इज कॉन्स्टेंटली सप्लाई टू दिस अर्थिंग एरिया बिकॉज दैट वॉटर विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी. सो नाउ हाउ दिस हेल्प्स, वेन एवर अ हैवी करेंट इज फ्लोइंग थ्रू आवर और वेन एवर अ हैवी करेंट इज एंटरिंग थ्रू आवर लाइन वायर्स इन टू अवर हाउसेज, देन बिकॉज अवर मीटर इज अर्थड लोकली, then all the heavy current from the line wire will flow to the ground and thus prevent us from fatal shocks. Then there is another one, the earthing of appliance. In the earthing of appliance you can see all the appliances are earthed from its metallic case.